आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू स्वेटर डिजाइन। वैसा भी ये डिजाइन भी बना सकती हो, बॉर्डर भी बना सकती हो, और ये बस दो सिलाई की ही डिजाइन है, और ये इसमें 3-3 प्लास करके फंदा लेना होता है। बहुत ही आसान डिजाइन है फ्रेंड्स। तो चलिए ये डिजाइन बनाने के लिए देखिए, मैंने इसमें 3-3 प्लास करके फंदा लिया। आपको जितना फंदा लेना है 3-3 प्लास करके आप फंदा ले लीजिए। और डिजाइन की पहले सिलाई है तो ध्यान से दिखिएगा, पहले सिलाई में जो पहला फंदा होता है इसको बीनना है, बीनिए उतारना है, उतारिए। तो मैं पहला फंदा को बीन लिया, देखिए एक फंदा बीना, धागा आप पीछे करना है। अब दो फंदा सीधा बीनना है, लेकिन हम ऐसा बीनते थे पहले, तो ये जो फंदा है ऐसा नहीं बीनना, ऊपर से लेना। देखिए ऐसे, देखिए एक बार ऐसा बीना, फिर से इसको लेना है ऐसे, देखिए ऊपर से ऐसा करके हमें बीनना है। देखिए दो फंदा सीधा बीना, धागा आगे किया, एक फंदा हमें क्या करना है उल्टा, ये देखिए एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे, फिर दो फंदा सीधा, देखिए धागा ऐसे करके, ये देखिए ऊपर से हमें ऐसे लेना, ठीक है। एक हमें ऐसा नहीं लेना, ऐसा नहीं लेना, लेकिन ऊपर से ऐसे लेना, दो दो फंदा सीधा, धागा फिर से आगे किया, एक फंदा उल्टा बीना, फिर धागा पीछे, देखिए ऐसे बीनना हमें, ठीक है। एक, ये दो, दो फंदा बीना, फिर से धागा आगे किया, एक फंदा हमें उल्टा बीनना है, देखिए धागा फिर से पीछे, एक फंदा सीधा, एक, ये दो, दो फंदा सीधा बीना, लेकिन धागा आगे की साइड से लेना, ऊपर से लेना, ठीक है। ये देखिए हमें ऐसा लेना, ऐसे जैसे हमने लिया ऐसे, ऐसे बीनना, सीधा ही बीनना है लेकिन ऊपर से लेना, ठीक है। ये देखिए ये बहुत ही इजी पैटर्न है, बस यही दो ही रो का डिजाइन है। धागा फिर से आगे किया, देखिए एक फंदा उल्टा, धागा फिर से पीछे, अब दो फंदा फिर से, देखिए एक है, ये दो, दो फंदा बीना सीधा, अब धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा, ठीक है। अब देखिए रो टू उल्टा साइड, ध्यान से देखिएगा, उल्टा साइड में ये मेरा सीधा फंदा दिख रहा है, ठीक है। इस तरफ से मैंने उल्टा बीना तो ये सीधा फंदा, इसको भी हमें क्या करना, ऐसा नहीं लेना, इसके ऊपर से नहीं लेना, ठीक है, हमें ऐसे बीच में से लेना है, बीच में लेना है। अब ऊपर से देखिए ऐसे, ये उल्टा फंदा था, इसको सीधा बीन दिया, ठीक है। धागा आगे किया, अब दो फंदा जो मेरे इधर से सीधा बीना था, ये दो फंदे को हमें सीधा ही बीनना है, देखिए एक, ये दो, दो फंदे को सीधा ही बीना, धागा फिर से पीछे किया, एक फंदा मेरा सीधा है, देखिए इस तरफ उल्टा है तो इस तरफ सीधा है, हमें बीच में से ऐसे फंदा डाले, देखिए ऊपर से ऐसे बीन देना है, तो हमें दो फंदा हो गया, फिर से धागा आगे, धागा आगे किया, अब ये दो फंदा मेरे इधर से सीधा है तो इस तरफ उल्टा बीनेगा, ठीक है। एक, ये दो, दो फंदा उल्टा बीना, फिर से धागा पीछे, एक फंदा सीधा है, इसको बीच में से ऐसे लेना है, ऊपर से ऐसे बीन दिया, इसी तरह से हमें बीनना है, देखिए दो फंदा फिर से उल्टा, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, और फिर से देखिए ये हमारे सीधा फंदा है, इधर से उल्टा है, तो बीच में से ऐसे सिलाई डाले, इसको ऊपर से बीन दिया, धागा आगे किया, फिर से देखिए एक, दो, दो फंदा उल्टा बीना, फिर से धागा पीछे, अब इसको देखिए फिर से क्या करना, ऊपर से ऐसे एक फंदा सीधा बीना, फिर से धागा आगे किया, दो फंदा उल्टा, एक, ये दो, अब फिर से धागा पीछे किया है, अब इसको देखिए ऊपर से ऐसा ही बीन देना है, धागा आगे किया, एक, ये दो, दो फंदा उल्टा बीना, धागा फिर से पीछे, एक फंदा ऊपर से सीधा, ठीक है। यही टू रो का डिजाइन है, इसी को हमें बार बार रिपीट करना है फ्रेंड्स। तो देखिए फिर से वही रिपीट करूंगी हम, पहला फंदा उल्टा बीनना, ठीक है, पहला फर्स्ट रो में भी हम उल्टा ही बीनना, इसको भी उल्टा ही बीनना। फिर से देखिए ये दो फंदा सीधा है, लेकिन वही आपको रिपीट करना है, बीच में से ऐसे सिलाई डालने हैं, ऊपर से ऐसे ही बीन देना, देखिए हमारा डिजाइन अब इसमें दिखने लगेगा। ये देखिए इसको बीना, धागा फिर से आगे किया, एक फंदा मेरे उल्टा है, इसको उल्टा बीना, धागा फिर से पीछे, और देखिए इसके बीच में से सिलाई डाले, अब इसको एक, अब फिर से बीच में सिलाई डाले, ऊपर से इसको बीना, तो दो फंदा, देखिए अब फिर से हमें एक फंदा उल्टा बीन लेना है। ये बहुत ही आसान डिजाइन है फ्रेंड्स, और बहुत ही सुंदर भी लगते हैं वैसे, और जल्दी भी बनता है ये डिजाइन, और बना ये जो
उल्टा सीधा बना लेते हैं ना, वो भी आराम से इस डिजाइन को एक बार देख लेगी तो बना लेंगे। ये देखिए, ये बीच में से दो फंदा में ऐसे ही सीधा बीनना है, लेकिन धागा को ऊपर से घुमा के लेना है। ये देखिए, ऐसे ऊपर से सिलाई की ऊपर से लेना है हमें, ठीक है। ऐसा नहीं लेना है, नीचे से लेंगे तो सीधा फंदा हो जाएगा, हमें ऊपर से ऐसे लेना। देखिए दो सिलाई बनाया, देखिए ये हमारे तीसरी सिलाई में बना रही हूँ। ये देखिए एक फंदा उल्टा है, अब देखिए हमारे डिजाइन ये दिखने लगी है। अब उल्टा साइड में जैसे हमने टू रो में किया वैसे ही सेम टू सेम करना है, एक फंदा सीधा बीनना, लेकिन धागा आगे के साइड ऊपर से लेना है। अब दो फंदा उल्टा है, हमेशा आपको यही टू रो को रिपीट करना है, उल्टा साइड में भी यही रिपीट करना है, सीधा साइड में भी जैसे है वैसे ही, खाली आपको रिपीट ही करना है। फ्रेंड्स बहुत ही ईजी डिजाइन है ये, ये देखिए एक फंदा बीना, अब ये दो फंदा उल्टा बीनना है, उल्टा साइड में दो फंदा जो है उसको उल्टा ही बीन लेना है, जो एक फंदा है उसको ऊपर से घुमा के बीनना है, ठीक है। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे डिज़ाइन आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे और भी एक चैनल है, चैनल का नाम है कुकिंग विद अकलीमा, उसमें भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। देखिए दो फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा ऊपर से घुमा के बीनिए। देखिए ये डिज़ाइन देखिए मेरा बन गया। आपको मैं इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि देखिए ज़्यादा मैंने बना रही हूँ इसलिए क्योंकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए जैसे फर्स्ट रो है उस बस यही दो रो का आपको रिपीट करना है फ्रेंड्स, इसमें नया कुछ भी नहीं है, यही टू रो का डिज़ाइन है, इसी को आपको बार बार बनाना है। ये देखिए दो फंदा ऐसे ही सीधा बीन लेना है, ऊपर से धागा घुमा के लेना है, बस यही इसको करना है, बाकी नॉर्मल डिजाइन है, बहुत ही आसान है। ये देखिए हमारे डिजाइन अब दिखने लगा है, बस इसी टू रो को आपको खाली रिपीट करना है। देखिए अब ऐसे ही बनाते जाइएगा तो इतना प्यारा से डिज़ाइन देखिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है आपका, बन के तैयार हो जाएगा। तो मिलती हूँ अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।